लेट्स कंटिन्यू ऑन आवर इनकम्प्लीट टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आता है व्हाट आर द प्री रिक्वायर फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। यानी अगर आपको प्लानिंग करना है तो कौन सी कंडीशन, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, कौन सी कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो देखते हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्री फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी। नंबर वन, एस्टाब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। सबसे पहली बात तो वही है कि जो प्लानिंग करने वाला है उसका कमीशन तैयार करना पड़ेगा, उसकी कमिटी तैयार करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। फॉर द प्रिपेरेशन एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान देयर मस्ट बी प्लानिंग कमीशन विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिशियन, डेमोग्राफर, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। सीधी बात है ना, पहले तो रचना करनी पड़ेगी प्लानिंग कमीशन की, भाई कौन से लोगों को लेना है, कौन से इंसान को क्या काम करना है। आगे, द प्लानिंग कमीशन शुड बी डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ डिवीजन एंड ईच डिवीजन एंड दे शुड बी हेडेड बाय एक्सपर्ट। इट इज नॉट एक्सपर्ट, इसको सुधार लेना आप लोग, मटेरियल में सुधार लेना। हेडेड बाय एक्सपर्ट फॉर डीलिंग विद डिफरेंट, यानी प्लानिंग कमीशन के अंदर भी अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से आप डिवाइड कर दोगे ना, सबका कोई ना कोई हेड होगा, एक्सपर्ट होगा। जैसे इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स में पीएचडी करा हुआ होगा, स्टेटिस्टिक का एक्सपर्ट जो स्पेसिफिक स्टेटिस्टिशियन होगा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज दिलाता होगा। तो पहला पॉइंट आया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन की रचना करना। पॉइंट नंबर टू, स्टेटिस्टिकल डेटा। सीधी बात है, फॉर प्रिपेयरिंग प्लान वी मस्ट हैव नेसेसरी डेटा रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड अवेलेबल रिसोर्सेस। फॉर दिस अ कंट्री शुड कंडक्ट ए सर्वे ऑफ द इकोनॉमी। सीधी बात है, आंकड़े होने चाहिए। जब तक आंकड़े नहीं मिलेंगे आपको, वहां तक आप उसको स्टडी कैसे करोगे, वहां तक एनालिसिस कहाँ से करोगे। मगर ये भी याद रखना है कि जो भी तुम आंकड़े कलेक्ट करते हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, रिलायबल भरोसे लायक होने चाहिए और सही तरीके से एक्यूरेट होने चाहिए। इसमें कोई बायस, कोई मिस्टेक, कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। तो पहला आया प्लानिंग कमीशन की रचना करना, सेकंड आया डेटा को कलेक्ट करना, पॉइंट नंबर थ्री फॉर्म्यूलेटिंग ऑब्जेक्टिव। तुम कौन से मकसद के लिए प्लानिंग कर रहे हो, फॉर्म्यूलेट योर ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा मकसद क्या है। जैसे प्लानिंग मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ इकोनॉमी। ऑलरेडी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, टू रिमूव पॉवर्टी, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा है। तो आपको ये भी नक्की करना पड़ेगा आप कौन से मकसद के लिए प्लानिंग कमीशन तैयार कर रहे हो। पॉइंट नंबर फोर, फिक्सेशन ऑफ टारगेट। पॉइंट नंबर फोर, फिक्सेशन ऑफ टारगेट। पॉइंट नंबर फोर, फिक्सेशन ऑफ टारगेट। फिक्सेशन ऑफ टारगेट क्या बोलता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द टारगेट एंड प्रायोरिटीज ऑफ द प्लान। टारगेट शुड बी बोथ ग्लोबल एंड सेक्टोरल टारगेट। ग्लोबल टारगेट मीन्स द टारगेट ऑफ वेरियस इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। सिमिलरली सेक्टोरियल टारगेट मीन्स टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट। यानी ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना है कि तुम कौन से टारगेट के ऊपर ध्यान देने वाले हो, आप कौन सी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब कौन सी चीज को आप महत्व देने वाले हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन शुड ऑल्सो डिसाइड मैक्रो टारगेट। माइक्रो का मतलब होता है सिंगल लेवल, मैक्रो का मतलब होता है इकोनॉमी लेवल, पूरे देश के लेवल की बात करें। क्लियर, एज वेल एज शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म
टारगेट. आफ्टर डिसाइडिंग द टारगेट द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? जैसे ही तुमने नक्की कर लिया तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, पहले तो तुमको सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका टारगेट क्या है. उसके बाद आप जाओगे कि भाई कौन सी चीज को इम्पोर्टेंस देना है, कौन सी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना है. क्लियर? पॉइंट नंबर 5 इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस. रिसोर्सिस का मतलब पदार्थ. मोबिलाइजेशन का मतलब इस्तेमाल करना, अरेंजमेंट करना, डिसाइड करना. फॉर द सक्सेसफुल प्लानिंग द गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन ऑफ नेसेसरी रिसोर्स. देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स. इंटरनल जो तुम्हारे पास है, एक्सटर्नल का मतलब जहां से आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा. देखो इंटरनल के अंदर क्या आता है, तुम्हारी जो बचत है, तुमने जो प्रॉफिट कराया है, तुम मार्केट से लोन उठा रहे हो, गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट कराया है, वो सब तो गवर्नमेंट का इंटरनल सोर्स हुआ ना. एक्सटर्नल सोर्स इंक्लूड नेट बजेटरी रिसीप्ट. बजेट रिसीप्ट याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है. क्लियर? पॉइंट नंबर 6 इज बैलेंसिंग द प्लान. बैलेंसिंग द प्लान का मतलब क्या होता है कि जितना सेविंग होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा. कितना प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड का बनाना है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूसर गुड का बनाना है, कितने मेन पावर की रिक्वायरमेंट है और आपके पास कितने मेन पावर अवेलेबल है. आप कितना एक्सपोर्ट करने वाले हो, कितना इंपोर्ट करने वाले हो. यानी सिंपल हर जगह एक ही चीज बताइए कि बहुत ज्यादा सरप्लस भी काम का नहीं और डेफिसिट कमी भी काम का नहीं. आपको हर चीज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा. हर चीज को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. क्लियर? गॉट इट? एंड पॉइंट नंबर 7 सबसे इजी है. इनकरेक्ट इनकरप्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इनकरेक्ट होना चाहिए. यानी कोई जात का करप्शन ये सब चीज अंदर होना नहीं चाहिए. फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एंड इनकरप्ट एडमिनिस्ट्रेशन. इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज करप्टेड इट विल नॉट पॉसिबल टू अचीव द टारगेट ऑफ प्लान. सीधा एग्जाम्पल है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन करप्टेड है तो आपने जो काम सोचा है, जो टारगेट सोचा है, वो कभी भी इजिली आसानी से अचीव नहीं होगा. सो देर मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट स्टाफ. वफादार स्टाफ का होना जरूरी है. छिल्ला आता है पब्लिक कोऑपरेशन. सीधी बात है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो फॉर द सक्सेस ऑफ प्लानिंग देयर मस्ट बी फुल पब्लिक कोऑपरेशन टू गवर्नमेंट. पब्लिक को भी गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा, सहकार देना पड़ेगा, तो ही गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर सकती है. क्लियर? ये है नीड्स फॉर प्लानिंग. ये आपको सिर्फ लर्न नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लेना है. इसको सिर्फ पढ़ लेना है क्योंकि ये लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, अभी कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है. नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट आईएमपी. एक्सप्लेन प्लानिंग इन डिफरेंट इकोनॉमी. बेसिकली 3 इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है. क्लियर? समझ में आया? इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी. तो यहाँ पर हमको ऐसा सवाल नहीं बोला मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में लिखो. यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है कि अलग अलग इकोनॉमी में प्लानिंग क्या होता है. क्लियर? चलो हम देखेंगे इसको डिटेल में. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग कौन से प्रकार के होते हैं. तो इन इंडिया प्लान आर प्रिपेयर बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. एमसीक्यू में आ सकता है. द प्लान ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइम विद इन विच दे आर इम्प्लीमेंटेड. इसमें बताया होता है कि कौन सा काम कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा. ईच प्लान इज प्रिपेयर फॉर 5 ईयर. ये सब हम सब मानते हैं कि भाई जो भी प्लान बनता है वो 5 साल के लिए ही बनता है. क्लियर? विद द नेशनल प्लान देर आर प्लान फॉर डिफरेंट एरिया. वही चीज है कि भाई एक ही देश के अंदर, एक ही चीज के अंदर अलग 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 प्रकार के प्लान भी होते हैं. क्लियर? चलो आगे बढ़ते.
plan specify the time within which they are implemented. In India, each plan is for 5 years. पर चुके the plan also specify the area which are covered by the plan. यानी कौन से एरिया पे आपको प्लानिंग करना है वो सब पहले से नक्की होता है. इन इंडिया वी हैव नेशनल प्लान फॉर द होल कंट्री. यानी जो नेशनल प्लान बनता है राष्ट्र का वो पूरे देश के लिए बनता है. विद इन द नेशनल प्लान वी हैव स्मॉलर प्लान लाइक स्टेट प्लान, ऑथोराइज प्लान, बराबर, कॉर्पोरेशन प्लान. यानी प्लान के अंदर भी छोटे छोटे दूसरे प्रकार के अलग अलग प्लान होते. क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते. प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग अथॉरिटी इन अवर कंट्री. प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट इज हेडेड बाय डेप्यूटी चेयरमैन. याद रखना इसको चलाता कौन है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. कहाँ पे? इंडिया में. इसका जो हेड होता है वो डेप्यूटी चेयरमैन होता है. कौन होता है? डेप्यूटी चेयरमैन होता है. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. प्लानिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी. अलग अलग इकोनॉमी में किस किस प्रकार का प्लानिंग होता है, तो ऑलरेडी मैंने शुरुआत के लेक्चर में ही आपको बताया अच्छे से कि भाई कैपिटलिस्ट प्लानिंग, सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लानिंग. क्लियर, समझ में आया? चलो अब हम डिटेल में देखेंगे. प्लानिंग इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलता है. इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लानिंग इज इंडिकेटिव इन नेचर. इंडिकेटिव का मतलब दर्शाना. इंडिकेटिव का मतलब दर्शाना. क्लियर, क्या होता है इंडिकेटिव का मतलब? दर्शाना. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज लिमिटेड. इसके लिए तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कैपिटलिस्ट का मतलब है ये होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन बहुत कम होता है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री. क्लियर, जापान जैसी कंट्री, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं. क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं. देर आर इन डायरेक्ट कंट्रोल टू अचीव गोल. सीधी बात है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मगर डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है. इकोनॉमिक डिसीजन आर लेफ्ट टू द मार्केट. जो भी निर्णय लेता है वो मार्केट के हिसाब से होगा, तुम और मैं डिसीजन नहीं लेंगे. क्लियर, यानी डिमांड बेसिस उसके हिसाब से भी तुम बोल सकते हो. प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड ओनर ऑफ द रिसोर्सेज व्हाट टू प्रोड्यूस. यानी जो ओनर्स होते वही नक्की करेंगे क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है. कैपिटलिस्ट का मतलब एक चीज याद रख के चलना है तुमको, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है और बिजनेस में ही ओनर ही डिसाइड करते क्या काम करना है, किस प्रकार से काम चलाना है. सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो सिंपल है कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रशिया जैसी कंट्री आती है. तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर आर कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी. पूरा के पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है. इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी गोल आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मैक्सिमम. सीधा बताया ना कि पूरा के पूरा गवर्नमेंट का इसमें दखल अंदाजी होगी. प्लानिंग इज इम्पेरेटिव. वहां पे था इंडिकेटिव, यहाँ पे आएगा इम्पेरेटिव. याद रखना, एनसीक्यू में पूछ सकते हैं. यहाँ पे ओनर के पास कोई अधिकार होते ही नहीं है क्या बनाना है, कैसे बनाना, वो सब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की डिसाइड करती है. क्लियर, आगे आता है प्लानिंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी. जैसे इंडिया, तो इंडिया के अंदर दोनों दो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है. इसके लिए प्लानिंग इज ए मिक्स्ड इन नेचर. कैसा है? मिक्स्ड है. यहाँ पे गवर्नमेंट का अमुक जगह डायरेक्ट कंट्रोल भी है और इनडायरेक्ट भी कंट्रोल है. यानी यहाँ पे दोनों दो रोल प्ले किए जाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी. इसके लिए इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है. क्लियर, अब जाते जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग. कौन से प्रकार के प्लानिंग है, उसके एडवांटेज और लिमिटेशन के. तो पहला आता है फाइनेंशियल प्लानिंग. नाम से ही पता चलता है, फाइनेंस मींस मनी. फाइनेंशियल प्लानिंग मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ मनी. यानी सीधा बताया, क्या बताया, ब्रैकेट देखो, टू अचीव द टारगेट
इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड टू मेक प्रोविजन ऑफ नेसेसरी प्लानिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू टैक्सेशन सेविंग बोरोइंग एक्सेट्रा दिस इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सीधा फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पैसों का अरेंजमेंट करना, कि कोई भी तुम प्लान करोगे तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको पैसों की जरूरत लगेगी। पैसा कहाँ से लाना है, किन से सोर्स से लाना है, तो ये सब चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इन फाइनेंशियल प्लानिंग अटेम्प्ट आर मेड टू ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन इनकम ऑफ पीपल एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सीधी सी बात है ना कि हमारी जितनी आवक होगी उतना ही कंज्यूमर माल खरीदेगा। बिटवीन फंड अवेलेबल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, कितना पैसा अवेलेबल है और कितना हम माल बना सकते हैं। बिटवीन फॉरेन पेमेंट एंड फॉरेन रिसीप, कितना हमको फॉरेन पेमेंट मिल रहा है एक्सपोर्ट के जरिए और कितना हमारा पैसा जा रहा है। क्लियर? Thus, the main purpose of financial planning is to achieve a balance between demand and supply to avoid inflation. यानी फुगावा से बचने का भी मकसद होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा तो there may be chances of being inflation. Clear? और financial planning के limitation क्या वो देखते हैं। If government try to use more resources by heavy taxation, it may reduce private saving and capital. सीधा बात है, इंडिया जैसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट टैक्स के जरिए लोगों पास से पैसा ज्यादा लेगी तो सीधी बात टैक्स ज्यादा लेगी तो लोगों के पास बचत कम हो जाएगी, तो मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन कम होगा। नंबर टू, इन अंडर डेवलप्ड कंट्री देयर इज लार्ज नॉन मॉनेटरी सेक्टर। नॉन मॉनेटरी का मतलब स्मॉल मॉनेटरी, यानी छोटे मोटे सेक्टर चलते जो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, नॉन मॉनेटरी होते, तो दिस क्रिएट इम्बेलेंस। सच इम्बेलेंस में क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज और इन्फ्लेशन। अगर तुम्हारे इसके अंदर कोई इम्बेलेंस आया तो या तो आपको प्रॉब्लम किसकी होगी, कटोकटी की होगी, या तो आपकी फुगावा का प्रॉब्लम होगा। नंबर थ्री, व्हेन अटेम्प्ट आर मेड टू इंक्रीज द सप्लाई, व्हेन अटेम्प्ट आर मेड टू इंक्रीज द सप्लाई बाय मोर इम्पोर्ट, इट विल क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था कि अगर आप इम्पोर्ट करते जाओगे, बाहर से माल लेते ही जाओगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, कि किस तरह से बाहर के देश का जो हमने आयात करा है उसका पेमेंट करना है। नंबर थ्री फोर, टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब रुकावट, पर्टिकुलरली फ्रॉम इन्फ्लेशन, यानी प्राइस राइज नहीं होनी चाहिए, कीमत में बढ़ावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीमत में बढ़ावा होगा तो फुगावे के चांसेस बढ़ जाते हैं। And last limitation is financial planning is unsuitable to underdeveloped country. याद रखना, underdeveloped country के लिए financial planning इतना easy नहीं है। Clear? समझ में आया आपको? Clear? You got it? Now we will move on physical planning. Physical planning क्या है? As the name suggests, physical, यानी जो दिखता है, physical planning means allocation of resources in terms of money, material, etc. to achieve the goal, यानी goal को achieve करने के लिए, गोल को तुम्हारे सही तरीके से अचीव करने के लिए जो प्लानिंग किया जाता है, चाहे मटेरियल के रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारा मनी के रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसके रिलेटेड जो किया जाता है उसको बोला जाता है फिजिकल प्लानिंग। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर हम, फिजिकल प्लानिंग क्या है। तो इन फिजिकल प्लानिंग वी हैव टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ मेन, मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया, बराबर है, क्या बता दिया आपको मैंने पहले कि भाई इसके अंदर आपको ये नक्की करना है कि कितने मेल की ज़रूरत है, कितने मटेरियल की ज़रूरत है, कितने मशीन की ज़रूरत है। क्लियर? इन फिजिकल प्लानिंग अटेम्प्ट ऑफ रिसोर्सिस एंड टू फाइंड आउट द रिसोर्सिस एंड टू असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस, यानी फिजिकल प्लानिंग में हम यही चीज को ध्यान देते हैं
क्या कि भाई कितने रिक्वायरमेंट है मशीन की और हमारे पास कितना अवेलेबल है। क्लियर क्लियर, आगे बढ़े। लिमिटेशन क्या है, तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्री एक्यूरेट डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसोर्सिस आर नॉट अवेलेबल। सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि हमारे जैसी कंट्री में, डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में पूरा डेटा अवेलेबल होता नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू सेट टारगेट, इसके लिए टारगेट सेट करना इतना इजी नहीं है। नंबर टू, टू अचीव द टारगेट वी मस्ट अचीव अ बैलेंस बिटवीन वेरियस सेक्टर। ये भी सीधी बात है, टारगेट कब अचीव होगा, जब आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों तीन में बैलेंस होगा। अगर हमको मालूम है कि हमारे पास कोई भी सेक्टर का कंप्लीटली एक्यूरेट बैलेंस नहीं होता, क्योंकि हर चीज यहाँ पे अनसर्टन है। नंबर थ्री, शॉर्टेज में ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी चीज अच्छा टारगेट ऑटोमेटिकली मार्केट में प्राइस राइज बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर। एंड नंबर फोर, फिजिकल प्लानिंग कैन नॉट अचीव द टारगेट विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। सीधा है कि दोनों दो को साथ में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल प्लानिंग के लिए भी पूरा करने के लिए आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है। इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे मूव इट टूगेदर। क्लियर। तीसरा आता है इंडिकेटिव प्लानिंग और इंपेरेटिव प्लानिंग। तो इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब क्या है, तो याद रखना, इंडिकेटिव प्लानिंग इज यूज्ड इन फ्रांस। सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ था, फ्रांस में। एंड इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, समय के मुताबिक। इसके लिए तो बोलते हैं इंडिकेट, जैसा सिचुएशन वैसा प्लानिंग। इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग द प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू अचीव द टारगेट बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यानी 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, जो हमने किसमें पढ़ा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा। फर्दर इट इज नॉट डायरेक्टेड टू फुलफिल द प्रायोरिटी एंड टारगेट ऑफ द प्लान। गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी टू प्राइवेट सेक्टर बट डज नॉट डायरेक्ट। सीधा है कि गवर्नमेंट मदद तो करेगी मगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर थ्रू ग्रांट, ग्रांट इसलिए सब्सिडी, राहत, लोन, टैक्स एग्जेम्पशन, बचत एग्जेम्पशन इसलिए राहत। इट गिव गाइडेंस टू प्राइवेट सेक्टर बट डज नॉट इश्यू डायरेक्शन। यानी प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनता है कि गवर्नमेंट सिर्फ तुमको मदद करेगी इनडायरेक्ट तौर पे, मगर डायरेक्टली कोई जात का इन्वॉल्वमेंट उनका होगा नहीं। सेकंड वन इज इंपेरेटिव प्लानिंग। सच प्लानिंग इज यूज इन रशिया। मैंने डेफिनेशन में बताया, चाइना एंड रशिया, जहाँ पे सोसाइटी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग ऑल रिसोर्सिस, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑल एक्टिविटीज आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। देर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। कोई जाति राहत की पूरा के पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इवन दिस टाइप ऑफ स्मॉल डिसीजन आर इवन टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर रिजिड इन नेचर, सो दे कैनॉट चेंज इजीली। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट वन का चैप्टर नंबर वन कंप्लीटली कवर होता है। अस्सलाम वालेकुम।